एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इस मिनी मिक्सर के बारे में, जिसको यूज करके आप अपनी लाइव परफॉर्मेंसेस में मल्टीपल इनपुट मतलब मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। तो अगर आप एक आर्टिस्ट हो या एक आपका बैंड है या आप एक बैंड के एक पर्सन हो या आप लाइव परफॉर्मेंसेस देते हो, मैरिजेस में परफॉर्म करते हो या किसी पार्टी फंक्शंस में या जैमिंग भी करते हो, तो आपको एक डिवाइस चाहिए होती है जिससे आपके सभी जो इंस्ट्रूमेंट हो वो एक ही डिवाइस से कंट्रोल हो सके। तो ये मिनी मिक्सर उसी चीज़ का काम करने वाला है। तो इसकी डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसे करते हैं अनबॉक्स और जानते हैं कि क्या आपको इसमें मिलने वाला है। तो ये हिडन ब्रांड का एक मिनी मिक्सर है जो काफ़ी ज़्यादा बजट प्राइस में आपको मिल जाता है। बजट की हम बाद में बात करेंगे जब हम इसको रिव्यू कर लेंगे पूरे प्रोडक्ट को, बट पहले बात करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के बाद आपको क्या मिलने वाला है। तो इस बॉक्स को ओपन करने पर आपको मिलता है एक ये मैनुअल, ये बाद में आप यूँ पढ़ सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े, और साथ में आपको मिलता है ये 12 वॉट का एक पावर अडोप्टर जो कि आपको प्लग करना पड़ेगा सॉकेट में। जैसा आप देख सकते हो ये है 12 वॉट का एक अडोप्टर। देन आपको मिलता है जो मेन डिवाइस है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एक मिनी मिक्सर है, मेरे हाथ से भी आप जैसा देख सकते हो छोटा सा है। तो आप अपने पॉकेट में भी इसे कैरी कर सकते हो अगर आप लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए जा रहे हो। और मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, जितना ये देखने में आपको छोटा लग रहा है, आप इसका काम बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस मिक्सर की और इस मिक्सर से आप क्या क्या फीचर्स यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस मिक्सर में आपको 4 नॉब्स दिख रही है जो कि आपकी इनपुट की वॉल्यूम को कंट्रोल करती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये इनपुट दिख रहा है आपको 1, 2, 3, 4 एंड देन आपको दिख रहा है ये आउटपुट। मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा, आउटपुट है जैसे अगर आप एक स्पीकर यूज़ करते हो, मतलब आप लाइव परफॉर्मेंसेस कर रहे हो उसमें एक स्पीकर जिससे आउटपुट जिससे आवाज़ आए लोगों को, मतलब स्पीकर फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्पीकर है, इसे आप ऑक्स एंड एक वाटर जैक से TRS जैक से कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा TRS जैक, ये आपको इस ऑडियो डिवाइस के साथ मतलब एक मिक्सर के साथ आपको नहीं मिलता, इसको एडिशनली लेना पड़ता है। अराउंड अगर आप मार्केट से बाय करोगे अच्छे ब्रांड का, मतलब ब्रांड भी क्या कहूँ, 50 रुपीज़ का 100 रुपीज़ का आपको ये मिल जाएगा TRS जैक। ऑनलाइन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, अगर आप ऑनलाइन बाय करोगे इतने ही 50-100 रुपये में आपको मिल जाएगा ये गोल्ड प्लेटेड। तो ये आउटपुट में आपका काम करता है, यहाँ पर आप एक अपना ऑक्स केबल कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको ये दिख रहा है ये स्पीकर है मेरे पास, ब्लूटूथ स्पीकर है वैसे। तो यहाँ पर आपको ऑक्स का एक ये इनपुट दिया हुआ है और यहाँ पर आउटपुट हमारा ये ऑक्स के थ्रू मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ इसको, और हम जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करेंगे उसकी आउटपुट इस स्पीकर में जाएगी। सो ये हमारा आउटपुट, एक ही आउटपुट मिलता है इसमें, और साथ में आपको मिलता है 1, 2, 3, 4 इनपुट। आपके बैंड में एक गिटारिस्ट है तो उसको एक इनपुट दे दिया, आपके पास एक कीबोर्ड प्लेयर है KCO प्लेयर जिसे कहते हैं वो है आपके बैंड में, तो आप उसको ये एक इनपुट दे दो। देन थर्ड, अगर आपके पास एक वोकलिस्ट है जो गाना गाता है उसको माइक्रोफोन मतलब एक डायनामिक माइक्रोफोन इसमें डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। अगर आप इसमें एक कंडेंसर माइक्रोफोन भी कनेक्ट करना चाहते हो तो आप एक ऑडियो इंटरफेस को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो इनपुट में TRS जैक के थ्रू, अगर आपके ऑडियो इंटरफेस में एक TRS जैक है तो वहाँ से आपको फैंटम पावर मिल जाएगी 48 वॉट्स की, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कंडेंसर माइक्रोफोन को यूज़ करने के लिए, तो आप उसे भी कनेक्ट कर सकते हो। देन एक और इनपुट है मेरे पास, अभी 3 ही ये क्वार्टर जैक्स है तो मैं एक और नहीं लगा सकता, और आपको यहाँ पे आउटपुट के लिए आप एक जैसा कि मैंने आपको बताया ऑक्स केबल यहाँ पर इनपुट कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा अपना पावर अडोप्टर जो कि आप सॉकेट के थ्रू कनेक्ट करोगे, जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है 12 वॉट का, मैं एक बार स्विच में प्लग करके आपको पावर ऑन करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पावर का एक ग्रीन लाइट का सिग्नल मिलेगा जब आप इसे पावर कर दोगे, उसके बाद आप कुछ भी आप इसमें इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर सकते हो, लाइक अपना एक गिटार जैसा मैंने आपको बताया, कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हो, एक माइक्रोफोन या मल्टीपल कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसमें TRS जैक के थ्रू आपका कनेक्ट हो सके, या फिर आप ऑक्स केबल के थ्रू भी उसे कनेक्ट कर सके उसे आप कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक 3.5 mm जैक का एक माइक्रोफोन है, पोर्टेबल लाइक लेवेलियर माइक्रोफोन जो कॉलर पर माइक्रोफोन लगता है, उसे भी यहाँ मैं कनेक्ट करके आउटपुट दे सकता हूँ स्पीकर में। आउटपुट देने के लिए मुझे यहाँ पर अपना एक ऑक्स केबल कनेक्ट करना होगा। तो ये एक कॉम्पैक्ट सा मिनी मिक्सर है, अभी मैं पावर इसे हटा देता हूँ।
जो आपको मार्केट में आई डोंट थिंक कि अभी अवेलेबल मिलेगा। अमेजन पर ये अवेलेबल है अराउंड 1600 रुपीज़ के वैल्यू में। अगर आप बाय करना चाहो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में देखना चाहो शायद आपको अभी ना मिले, जब भी अवेलेबल होगा उसका भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा। बट अभी ये ऑनलाइन स्टोर्स में अवेलेबल है, हिडन ब्रांड का है, और भी ब्रांड्स के आते हैं बट मुझे ये हिडन ब्रांड ने प्रोवाइड कराया है। अमेजन पर इसका अवेलेबिलिटी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ जाकर अगर बाय करना चाहो बाय कर सकते हो। बट आपको मैं बताना चाहूँगा जो रिसेंटली मैंने अभी एक गिव अवे अनाउंस किया था उसमें आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और अगर आप सेकंड विनर उसमें होते हो। तो सरप्राइज़ गिफ्ट उसमें मैंने बताया था कि सरप्राइज़ विनर को, सेकंड जो हमारा गिव अवे विनर होगा उसको मैं एक सरप्राइज़ गिफ्ट दूंगा। तो यही है वो, ये मिक्सर आपको वो मिलने वाला है अगर आप उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे। अगर आपने नहीं पार्टिसिपेट किया तो ऊपर लिंक डाल देता हूँ, अभी के अभी पार्टिसिपेट कीजिए, शायद आप ही हो वो लकी विनर जिसको ये मिलेगा मिक्सर। तो आशा करता हूँ अगर आप एक लाइव परफॉर्मर हो तो ये कॉम्पैक्ट सा मिनी मिक्सर आपके बहुत ही काम आने वाला है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़, म्यूजिक रिलेटेड वीडियोज़, होम स्टूडियो सेटअप रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। Keep watching Campus Emo. Peace out.